नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम बात करने वाला है ये जो वॉशिंग मशीन में जो इस तरीके से साउंड आता है, ठीक है, उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन में इस तरीके से साउंड आने का दो रीज़न हो सकता है, एक तो आपका गियर बॉक्स में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, और दूसरा कि आप इस वॉशिंग मशीन को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो इस तरीके का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो सही तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ठीक है। इस तरीके का साउंड सिर्फ स्पिन यूज करने पे ही आता है, तो इसको किस तरीके सॉल्व कर, जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि आप इसमें कपड़ा डाला हुआ है, ठीक है। इसको जैसे ही चालू करते हैं ये जो हमारा स्पिन ड्रम है ये पूरे बॉडी में टच हो रहा है, जिसके कारण ये साउंड हो रहा है जनरेटर की तरह, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, लेकिन जब भी इसको चालू करते हैं ये पूरा बॉडी में टच होने लग जाता है। तो अगर इस तरीके से बॉडी में टच होता है तो इसमें अगर इस तरीके से आपका बॉडी में टच होता है ये स्पिन ड्रम और साउंड आ रहा है, तो इसमें गियर बॉक्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। गियर बॉक्स चेंज करने से पहले, मैकेनिक से दिखाने से पहले, आप घर पे खुद से इस तरीके से यूज करके देख सकते हैं कि इसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हम इसमें कपड़ा निकाल दिए हैं, और कपड़ा निकालने के बाद जैसे इसको चालू करेंगे तो ये नॉर्मल स्पिन, मतलब खाली में आप ये स्टेबल में ये चालू होगा, कोई साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो खाली में चलाने पर देख सकते हैं कि ये स्टेबल है और इसमें किसी तरीके का साउंड नहीं आ रहा, मतलब जो बॉडी में टच होने का जो साउंड है वो कुछ भी नहीं आ रहा, खाली में स्टेबल है। तो इसमें लगभग में क्या होता है कि इस तरीके से अगर चल रहा है खाली में तो हमारा ये जो गियर बॉक्स है वो बराबर है। तो इसको किस तरीके से यूज करना है वो आगे देख सकते हैं। ये हमारे पास है स्पिन कैप, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है कि ये स्पिन करने से पहले आपको इसको मतलब लगाना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मार, ये स्पिन कैप आपको हर एक वॉशिंग मशीन के साथ ही मिलता है जो कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है। तो कभी भी कपड़ा डालने के बाद आप इस स्पिन कैप का यूज़ करेंगे तो आपका जो स्पिन साउंड आ रहा है स्पिन यूज करने के बाद, तो वो साउंड नहीं आएगा। तो देख सकते हैं इसमें हमने कपड़ा डाल दिया है, कपड़ा डालने के बाद स्पिन कैप इसमें लगा दिया, ठीक है। तो इसको हम चालू करके देखते हैं ये साउंड आता है कि नहीं आता है। जैसा कि देख सकते हैं ये स्पिन साउंड अभी नहीं आ रहा, ये स्टेबल चल रहा है, ठीक है। इसमें कपड़ा भी डाला हुआ है, सेम उतना ही कपड़ा डाला हुआ है, उसके बाद भी इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें स्पिन कैप लगा हुआ है। तो आप अगर आपके पास भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और इस तरीके से आवाज़ आ रहा है, ठीक है, विदाउट स्पिन कैप लगा यूज किए हुए, तो आप स्पिन कैप का इस्तेमाल करें, उसके बाद ये आपका साउंड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इसमें अभी वॉशिंग मशीन चालू है, अभी किसी तरीके का साउंड नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप स्पिन कैप यूज़ करेंगे तो इसमें कोई भी साउंड नहीं आएगा और ना ही आपका गियर बॉक्स ख़राब होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दें और स्पिन कैप यूज़ करें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।